नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म ना सामी रंगा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे तेलुगु लैंग्वेज की 2024 की एक्शन ड्रामा फिल्म ना सामी रंगा के कलेक्शंस की बात कर ले तो सुपरस्टार नागार्जुन स्टार फिल्म ना सामी रंगा के आज सिनेमाघरों में 10 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। सुपर एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्म ना सामी रंगा ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 1 करोड़ की कमाई की है। इसके साथ फिल्म ना सामी रंगा का फ्रॉम डे 10 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 51.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 45 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। दोस्तों फिल्म ना सामी रंगा के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 35 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। वहीं दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो फिल्म में सुपरस्टार नागार्जुन रंगा के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में वे जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बता दो कि फिल्म ना सामी रंगा 2019 में आई मलयालम फिल्म पोरिंजू मारियम जोस की तेलुगु रीमेक है। में नागार्जुन के अलावा आशिका रंगनाथ, मीना मेनन, अलारी नरेश, एंड्रास तरुण लीड रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो आप एक 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं तमिल लैंग्वेज की सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म मिशन चैप्टर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे तमिल लैंग्वेज की 2024 की एक्शन ड्रामा फिल्म मिशन चैप्टर 1 के कलेक्शंस की तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 12 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे अरुण विजय एंड एमी जैक्सन स्टार फिल्म मिशन चैप्टर 1 के फ्रॉम डे 12 तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की तो फिल्म सिनेमाघरों में डे 12 को कंप्लीट करते करते वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 32 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। तो फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 25 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म को काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिला है। फिल्म की बात करें तो फिल्म मिशन चैप्टर 1 लास्ट समय तक आपको इंगेज करती है, फिल्म को लास्ट तक देखने पर मजबूर करती है। फिल्म का कॉन्टेंट फाइट सिक्वेंस काफी जबरदस्त है। फिल्म में अरुण विजय जबरदस्त एक्शन और स्टंट करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं दोस्तों फिल्म में एमी जैक्सन करीब 5 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। फिल्म में वे भी ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए नजर आ रही हैं। दोस्तों फिल्म मिशन चैप्टर 1 को अगर आपने मिस किया तो आप एक बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सुपरस्टार वेंकटेश दुगुपति एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टार फिल्म सैंधव के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन इमोशनल ड्रामा फिल्म सैंधव के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 की बात करें तो फिल्म सैंधव ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 20 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म सैंधव का फ्रॉम डे 11 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 28.20 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 55 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। और फिल्म फिलहाल अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आ रही है। फिल्म में वेंकटेश दुगुपति 63 साल की उम्र में जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी तेलुगु फिल्मों से अपना डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर में फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। दोस्तों बात करते हैं फिल्म मैं अटल हूं के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म मैं अटल हूं के कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 5 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक फिल्म मैं अटल हूं के कलेक्शंस की तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 के अंदर ओनली 40 लाख की ही कमाई हुई। इसी के साथ फिल्म मैं अटल हूं का फ्रॉम डे 5 तक इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 6.65 करोड़ की कमाई कर चुकी है। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 9 करोड़ की कमाई हो चुकी है। वहीं दोस्तों फिल्म मैं अटल हूं के बारे में बता दूं तो फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों के अंदर 5.65 करोड़ की कमाई कर अच्छी खासी शुरुआत की थी। फिल्म इस वीकेंड उछाल कर सकती है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो आप एक बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था लेखा जो का हाल फिल्म के कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरे इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।